जिस तरीके से अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करके राज करते रहे, उसी सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। समाज को कैसे बांटा जाए, समाज में कैसे नफरत हो, और जो विपक्षीय लोग हैं उनके बीच में एक दूसरे से कैसे दूर किया जाए, इसी रणनीति पर लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जहां तक धार्मिक स्थानों का सवाल है, पहले से जो एक्ट बना है 1991 एक्ट की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। जिस समय सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ उसमें जो बात रखी गई उस पर परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बुनियादी जो सवाल है उन पर अगर चर्चा होगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। जिस तरीके से चुनाव के बाद डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, स्टील महंगी हुई है, सीमेंट महंगा हुआ है, खाने का तेल महंगा हुआ है, हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, जो हमारा यूथ है, नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार है, आगे कैसे पढ़े या रोजगार पाए, नौकरी मिले, वो भी अभी सरकार उस दिशा में काम नहीं कर रही है। बड़े बड़े सपने सरकार ने दिखाए थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट के बहाने इतने रोजगार और नौकरी निकलेगी, तो इन सवालों का जवाब न देना पड़े इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके स्मोक स्क्रीन एक ऐसा पर्दा डालती है जिससे अपनी कमियों को छिपा ले। और जो बनारस का मामला चल रहा है उसके पीछे जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उसे बैंकें बेचनी है, जो प्राइवेट कंपनियां सीमेंटों की बिक रही है वो अपने लोगों को कैसे लाभ पहुंचाना है, और LIC प्राइवेटाइज होनी है। तो ये जो बड़ी बड़ी संस्थान है, LIC का प्राइवेटाइजर होना, बैंकों का मर्ज होना और बैंकों का डूबना, और जिस तरीके से पूरा गेहूं खरीदवा दिया कुछ व्यापारियों के हाथ में, अगर आप पूरे प्रदेश का गेहूं देखेंगे तो 5-6 लोगों ने गेहूं खरीद लिया और वो गेहूं विदेश जा रहा था। 4,000 से ज्यादा ट्रक केवल राजकोट में खड़े थे, गुजरात के जितने पोर्ट थे उसमें बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का गेहूं रखा था। जब सरकार को पता लगा कि गेहूं पहुंच गया है, केवल जनता को धोखा देने के लिए उस पर बैन लगा दिया कि विदेश गेहूं नहीं जाएगा। और जैसे ही बनारस का मामला आगे बढ़ा, ताजमहल का आगे मामला बढ़ा, उन्होंने अनुमति दे दी अनाज विदेश चला जाएगा, गेहूं विदेश चला जाएगा। अब गांव में डुगडुगी